हेलो दोस्त, मैं धर्मेंद्र कुमार, आरबी डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर का 8 वो लूप जो होता है उसको मैं रोटरी से जोड़ने का तरीका बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं रोटरी है लगा हुआ, और रोटरी पर से किस किस का रिलेशन है जो आज मैं बताऊंगा। हमारे वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर, इसको देखिए मैंने पहले बता चुका है, आप इसको सीरियल नंबर से आपको जोड़ना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। ये आप गड़बड़ नहीं करेंगे, अगर आपका ये गड़बड़ हो गया तो स्टेबलाइजर का वोल्टेज आप सही नहीं मिला पाओगे। तो इसके लिए आपको ये जरूरी है कि 1 नंबर 2 नंबर जानकारी रखना। और देखिए मैंने 1 नंबर को 1 नंबर से जोड़ना शुरू किया है, तो इस तरह से मैंने 1 नंबर को 1 नंबर से जोड़ा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिए मैंने पहले से नंबरिंग कर करके आपके पहले भी पिछले वीडियो में बता चुका है इसके बारे में, तो आप देख ही लिए होंगे। और उसके बाद ये अब हम रोटरी का कनेक्शन बता रहे हैं, तो इसको बढ़िया से आप समझिए कि किस तरह से हम ये काम को कर रहे हैं। ये हो गया 2 नंबर। इसी तरह से सीरियली बाय सीरियल जो है हम जोड़ते चले जाएंगे। ये आपका 3 नंबर, ये 3 नंबर हो गया। अब जो है अगला हो गया 4 नंबर को जोड़ेंगे। इस तरह से हम 4 नंबर को जोड़ेंगे। पेस्ट का इस्तेमाल हमेशा करेंगे तो सोल्डिंग बढ़िया पकड़ेगा। सोल्डिंग करना भी एक कला है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे सोल्डिंग आप करेंगे सोल्डिंग बढ़िया से नहीं धरेगा, इसलिए पेस्ट का इस्तेमाल जरूरी करेंगे, और तब जो है से कि इसमें सोल्डिंग चढ़ेगा यानी कलाई नहीं पकड़ पाएगा बिना पेस्ट का। तो ये ध्यान रखिए। बहुत सब बंधु लोग बोलते हैं कि सर कैसे आप सोल्डिंग करते हैं, समझ में नहीं आता हम लोग, कौन लोग सोल्डिंग करते तो नहीं चिपकता है। तो कारण क्या होता है कि ये पेस्ट देखिए इस्तेमाल आप लोग नहीं करते, इसमें इस तरह का पेस्ट है ना, इसको जो है पेस्ट जो है से मिलता है आपको मार्केट में अवेलेबल है, ये पेस्ट को लेना है ना। और पेस्ट को जब भी हम कहीं पर किसी भी तार को टूस करना होगा, ज्वाइन करना होगा, तो पेस्ट को लगाना जरूरी है। नहीं पेस्ट लगाओगे तो ये आपका एक कनेक्शन जोड़ने में दिक्कत होगा। पेस्ट हमारा क्या करता है कि बहुत ही बारीकी से जो है से रंगा को जो है चिपकाने में ये सहायता करता है। तो आपका सोल्डिंग भी जो आप करेंगे बिल्कुल फ्रेश और साफ एकदम आपको सोल्डिंग होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना भी है ना, ताकि आपका दोनों काम हो जाए। इस तरह से हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कनेक्शन के पॉइंट पर। इसको अगला कनेक्शन देखिए, हम इसी तरह से सीरियली नंबर से हम जोड़ते हुए चले जा रहे हैं ना। ये आपका हो गया 6 नंबर, इसको हम 6 नंबर को जोड़ेंगे। इसके बाद फिर 7 नंबर, सोल्डिंग ध्यान रखेंगे कि फाइबर का रहता है रोटरी स्विच, तो सोल्डिंग ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे, नहीं तो पॉइंट के ये भाग पिघल जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है, क्योंकि ये फाइबर का रोटरी स्विच है, ज़्यादा देर तक अगर रखेंगे तो ये हीट होने के बाद जो है रोटी गल जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है, ताकि आप मिस ना करें, आपका समय बर्बाद ना हो। तो ये सब आपको सावधान रखना होगा, ये सब आपको माइंड में रखते हुए काम करना, मैंने देखिए माइंड में रख के काम करना है। और अब देखिए इसमें हमको अब करना क्या है, मैंने तो 8 वो जो लूप था मैंने बारीकी से सबको जोड़ दिया। अब इसमें रोटरी पर आप देख रहे होंगे है ना, एक ये बच रहा है, तो इसका कनेक्शन इससे जुटता है और 1 नंबर का कनेक्शन इससे जुटता है, यानी 2 तार इसमें और हम जोड़ेंगे तो रोटरी का कनेक्शन समाप्त हो जाएगा। तो 2 तार कहाँ से हम कैसे जोड़ेंगे इसको हम आपको दिखला रहे हैं,
ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पॉइंट को जोड़ना है ना, इस पर बिल्कुल बढ़िया से जोड़ेंगे ताकि लोड में आपका तार हीट होर कर करके नहीं छोड़े। तो थोड़ा ये सब ध्यान रखना होगा क्योंकि ये सब टेक्निकल है, नहीं तो हल्का फल्का सोल्डिंग करके छोड़ देंगे तो लोड में क्या होगा, हट जाएगा। और अब देखिए ये कहाँ जुटेगा, तो ये आपका रोटी जो देख रहे हैं, देखिए पहले नंबर ये सामने से पहले आप देख लीजिए है ना, ये सामने से देख लिए तो ये स्विच लगा हुआ है, तो ठीक ऊपर का भाग इधर हमारा कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो इसमें थोड़ा सा गिनती आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए पहले से मैंने इसे कनेक्शन कर दिया है, थोड़ा सा आप समझाने का हम कोशिश करेंगे आपको, हम थोड़ा सा कैमरा को जूम करते हैं तो ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ देखिए इसमें अब आपको स्पष्ट अब समझ में आ रहा होगा। देखिए है क्या, इसमें मैंने पहले से ये स्विच है, DPDT स्विच है, ये हाई और लो वोल्टेज में हमारा इस्तेमाल स्विच का करते हैं। तो देखिए मैंने पहले से इसका कनेक्शन कर करके रखा है। देखिए साइड साइड वाले को जोड़ देना, पहले भी हम और ग्राफी विधि से बता चुके हैं, इसको साइड साइड जोड़ देना है और इसको भी साइड साइड से जोड़ देना है। तो साइड साइड दो स्विच खत्म हो गया आपका काम, अब बच गया बीच में दो गोला, तो इधर तिरछा तिरछी कनेक्शन करना है ना, इसके सामने वाले से जस्ट नीचे के विपरीत वाले में करना है और इसके इसके ऊपर वाले से सामने से जस्ट विपरीत, यानी कहने का मतलब है कि तिरछा तिरछी है ना, इसका पॉइंट इधर जाएगा, इसका पॉइंट इधर जाएगा। आप देखिए यहाँ पर नीचे भी दो लूप है और इधर भी दो को पॉइंट बचा हुआ है ना, डबल पोल डबल स्विच है, तो इसको तिरछा तिरछी कनेक्शन यहाँ पर होता है। अब देखिए इसको करना क्या है, यहाँ पर हमारा रोटरी से दो को तार और जुड़ेगा तब आपका रोटरी फाइनल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पर कि एक नंबर इन्हें से गिनती अगर हम करते हैं है ना, सामने से देखिए गिनती कर इधर से हम करते हैं सामने से स्पोर्ट पर से, तो एक नंबर हमारा लाइन इनपुट होता है ठीक है, और दो नंबर से हमारा आउटपुट होता है जो रोटरी में इन होता है, यानी यहाँ से लाइन डाला और यहाँ से निकला और रोटरी पर चला गया ठीक है, और दूसरा फिर यहाँ से इन हुआ है ना, तो हमारा इन किससे होगा भाई, इधर से घुसा तो इसके द्वारा इन होकर करके एक नंबर पर आया, और एक नंबर से हमारा फिर एक तार यहाँ जुटेगा जो आउटपुट वोल्टेज हमारा बतलाएगा। तो दो को तार यहाँ पर आपको जुटता है, उसको हम जोड़ रहे हैं और बारीकी से आप देखिए समझिए, क्योंकि ये बहुत जानना जरूरी पड़ेगा आपको, अर्थात आप कनेक्शन नहीं कर पाओगे भैया, तो इसको बहुत जरूरी है। मैंने स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझाना शुरू किया है ताकि आप स्टेबलाइजर के बारे में पूर्ण रूप से आप कनेक्शन कर सके, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है ना, तो आप इसको बढ़िया से आप देखें। अब देखिए यहां से हमने लाइन को रोटरी को लाइन दिया ठीक है, रोटरी को क्या किया मैंने लाइन दिया और लाइन मेरा यहाँ स्विच पर लाइन जुटेगा, एक पोल मैंने खाली रखा है जो हम और आगे आपका हम जब कनेक्शन करेंगे तो इसका विस्तार फिर हम यहाँ पर लाके बतलाएंगे। तो अब यहाँ से लाइन हमने एक फेस जोड़ने का स्थान छोड़ दिया, दूसरा लाइन यहाँ स्विच के द्वारा निकला और यहाँ चला गया ठीक है रोटरी में। अब हमारा एक पॉइंट और बचा हुआ है जो कि उसका क्या काम है सो हम बताते हैं ठीक है। देखिए अब दूसरा जो बचा हुआ इस पर एक तार जुटेगा है ना, इस पर जोड़ना है साइड वाले में, ये बीच वाले का सेकंड में, तो ये आपका हो गया यहाँ पर जुट गया। तो यहाँ पर जो है इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, बढ़िया से आपको बारीकी से तार को जोड़ना है, ये न कि जो है से जल्दीबाजी में आप जैसे तैसे जोड़ दें तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, सोल्डिंग फ्रेश कीजिएगा ताकि आपका काम अच्छा हो है ना। अब देखिए मैंने यहाँ से कनेक्शन को जोड़ा, अब क्या होता है यहाँ लाइन मैंने डाला, अब इसके रोटरी के द्वारा जो लाइन हमारा आउटपुट होगा तो वो कहाँ से आएगा, तो देखिए हमारा एक नंबर से क्या होता है आउटपुट होता है, मैंने सीरियली नंबर इसलिए बताया था ताकि आपको जब हम बताएं तो समझ में आए। अब यहाँ क्या करना है कि एक नंबर से आपको ये लाइन को हम आउटपुट करा रहे हैं ताकि हम इससे TV वगैरह चला सके है ना, और इससे हम आवश्यकता के अनुसार कम बेसी वोल्टेज को भी कर सके ठीक है। तो ये अब देखिए आपका हो गया रोटरी का पूरा कनेक्शन
तो इस तरह से हमारा रोटे पर तार आता है, ठीक है। बाकी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि और क्या कैसे कनेक्शन करेंगे। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के आपसे विदा हम चाहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, जल्द ही आपको हम दे देंगे। तो तब तक के लिए धर्मेंद्र कुमार का नमस्कार।